को बलात्कार करने सहयोगी को हत्या कर 11 जन अभियुक्त को गुजरात सरकार गत 15 तारीख दिन खुलास कर घटना को नहीं देशव्यापी एवं लोक मनरे प्रश्न होपर्क कांग्रेस दल पक्ष जारी होता एक सांबादिक सम्मेलन में पवन खेरा कौन कहते शुणु बलात्कार के सामूहिक बलात्कार के हत्या के 11 अभियुक्तों की रिहाई जो गुजरात सरकार ने की 15 अगस्त के दिन की अमृत महोत्सव के दौरान की सरकार द्वारा लिए गए इस अप्रत्याशित निर्णय पर कुछ नए तथ्य आपके सामने आया और उन तथ्यों के आधार पर कुछ नए सवाल भी खड़े होते हैं। गुजरात सरकार का एक दावा है कि उक्त अभियुक्तों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रिहा किया गया है। यह दावा गुजरात सरकार ने के अफसरों ने कुछ इंटरव्यूज में किया है। सच्चाई यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को 3 महीनों के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्या होना चाहिए, क्या निर्णय होगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, उस पर कोई आदेश नहीं। यह न्यायपालिका के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया, यह कार्यपालिका का निर्णय। दिस इज एन एग्जीक्यूटिव डिसीशन, नॉट अ जुडिशियल डिसीशन। ये बात हमें स्पष्ट तौर पर समझनी होगी, क्योंकि बार बार हमें भटकाया जाता है, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था साहब इसलिए कर दिया। तथ्य नंबर 2, गुजरात सरकार के अनुसार रिहाई का निर्णय 1992 की जो क्षमादान की नीति है और रिहाई की नीति है, रेमिशन की जो नीति है उसके आधार पर लिया। अब इस पर आते हैं, 1992 की जो रेमिशन की नीति है, आप या मैं कोई भी आज गुजरात सरकार की वेबसाइट पे जाकर ढूंढ के बता दे, मैं मान लू 1992 की नीति आपको वेबसाइट पर नहीं मिलती। आरटीआई के सेक्शन 4 के अनुसार ये तमाम नीतियां वेबसाइट पे होनी चाहिए, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, और ये बहुत चौंकाने वाला तथ्य है कि यह नीति, जिस नीति के पीछे छिपकर गुजरात सरकार कह रही है हमने इन 11 बलात्कारियों को रिहाई का आदेश दिया, 1992 की वो नीति 8 मई 2013 को गुजरात सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई। तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 8 मई 2013 को शासनादेश द्वारा, वो शासनादेश विनीत जी आपको शेयर कर लेंगे, शासनादेश द्वारा 8 मई 2013 को 1992 की वो नीति गुजरात सरकार ने समाप्त कर दी। तो ऐसी नीति जो है ही नहीं, उस नीति के आधार पर आप 11 बलात्कारियों को, 11 हत्यारों को क्षमादान दे देते हैं और रिहाई कर देते हैं। यह बहुत चौंकाने वाला तथ्य है। तीसरा तथ्य, कोई ऐसा अपराध जिसकी जांच किसी केंद्रीय एजेंसी ने की हो, इस प्रकरण में सीबीआई ने की थी, उसमें क्षमादान या रिहाई का निर्णय अकेले राज्य सरकार नहीं ले सकती। सीआरपीसी का 345 सेक्शन 345 ऑफ सीआरपीसी के तहत राज्य सरकार को केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है कोई क्षमादान करने के लिए या कोई रिहाई करने के लिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुश्री जयललिता ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के हत्यारों को इसी तरह की एक रेमिशन दी थी, क्षमादान दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब यह आदेश जारी किया था, आदेश दिया था कि इसमें केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस प्रकरण की जांच की थी, अकेले राज्य सरकार माफी नहीं दे सकती, क्षमादान नहीं दे सकती, रिहाई का आदेश नहीं दे सकती। सीआरपीसी सेक्शन 345। हम प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री दोनों से, दोनों गुजरात के, यह जानना चाहते हैं, क्या गुजरात की आपकी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आपसे
यानी प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से अनुमति ली थी इन 11 बलात्कारियों और हत्यारों को क्षमादान देने के लिए और रिहाई करने के लिए? अगर दी थी तो साझा करिए, सार्वजनिक करिए, ताकि लोगों को आपके खोखले शब्दों का अर्थ समझ में आ जाए जो आपने लाल किले की प्राचीर से बोले थे, नारी शक्ति, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा। और अगर नहीं दी थी तो हम यह जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि आप गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं इस गैर कानूनी काम को अंजाम देने की आरोप पर। या तो आपसे अनुमति ली थी या आपसे अनुमति नहीं ली थी, स्पष्ट कीजिए, देश जानना चाहता है। और अगर नहीं ली थी तो देश यह भी जानना चाहता है आप अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाले हैं, आप गुजरात सरकार के खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाले हैं। और एक सवाल गुजरात के मुख्यमंत्री से भी, जो जेल एडवाइजरी कमिटी है उसके सदस्य कौन कौन है जिन्होंने सबसे पहले यह अनुशंसा की थी कि इन 11 हत्यारों और 11 बलात्कारियों को क्षमादान मिले, इनकी रिहाई हो? जेल एडवाइजरी कमिटी के सदस्य कौन कौन है, उनकी अनुशंसा कब आई थी और क्या थी? एक और सवाल हम गुजरात के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, गुजरात सरकार से पूछना चाहते हैं कि 8 मई 2013 को जब 1992 की नीति वापस लेने का शासनादेश आया था, क्या यह शासनादेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया? अगर लाया गया तो सार्वजनिक करिए, और नहीं लाया गया तो आपके खिलाफ फिर एक और कार्रवाई बनती है। एक के बाद एक कानून तोड़े गए हैं, एक के बाद एक नियम तोड़े गए हैं। क्यों? क्योंकि 11 बलात्कारियों को, 11 हत्यारों को क्षमा देना चाहती थी गुजरात की सरकार और हो सकता है केंद्र सरकार। और एक सवाल हम सबसे है, मीडिया से है, इस समाज से है, हम सब तमाम विपक्षी दलों से है कि जिस निर्भया के प्रकरण में पूरा समाज एक आवाज में मांग कर रहा था कि एक कठोर सजा दी जाए बलात्कारियों को, आज चुप्पी क्यों है? मीडिया में वो चुप्पी क्यों है? बाकी विपक्षी दलों में वो चुप्पी क्यों है? समाज में वो चुप्पी क्यों है? अगर इस सवाल का जवाब हम लोगों ने आज नहीं मांगा एक दूसरे से, तो हमारा समाज बहुत तेज गति के साथ सड़ना शुरू कर चुका है और उसकी बदबू पूरे विश्व में फैलेगी। उसको रोकना जरूरी है, इसलिए ये सवाल पूछने जरूरी हैं। मजहब नहीं देखा जाएगा कि किसका बलात्कार हुआ, मजहब नहीं देखा जाना चाहिए कि किसने बलात्कार किया। बलात्कार हुआ, हत्या हुई, सजा होनी चाहिए, माफी नहीं मिल सकती है क्योंकि गैर कानूनी है। यह महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आज जो भी मजहब देखकर चुप है, वो प्रधानमंत्री हो, कोई और विपक्षी दल हो, संविधान पढ़ लीजिए, यह देश संविधान पे चलता है, सरकारें संविधान पे चलती हैं, सरकारें जाति और मजहब देखकर नहीं चलती।